हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे सिनुसाइटिस को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। एक्चुअली सिनुसाइटिस जो होती है, ये हमारे नाक में होने वाले साइनस जो ग्लैंड होता है उसमें इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग होने के वजह से वो लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। बार बार स्नीज आती है और बार बार जुकाम, रनिंग नोज बना रहता है और बंदा परेशान रहता है। बिना सीजन का सीजन ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं इसे जड़ से कैसे खत्म करें। तो लेके आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो अच्छी लगे या ना लगे लाइक जरूर करिएगा। तो सिनुसाइटिस के लिए सबसे पहले जो योग आसन है उसमें आप प्राणायाम करेंगे या फिर अपने नेजल वे को अच्छे से साफ करेंगे। दोनों साइड बताता हूं। ये पहले बाएं नाक से करिए, फिर उसके बाद दाहिने नाक से। डेली दिन में 5 से 7 बार करेंगे तो आपका जो नेजल पैस वे होता है, एयर वे होता है, वो साफ रहेगा और जो इन्फ्लामेशन रहेगा वो कम हो जाएगा और आपको जुखाम पूछेगा ही नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। यह एक ऐसा इलाज है जो कि आप रेगुलर करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इसके लिए और जल नेति भी बताया जाता है, इससे भी ठीक होता है। और रेगुलर आपको यदि ऐसा प्रॉब्लम है तो आप स्टीम लीजिए, भाप लेते रहिए सुबह दोपहर शाम, दोनों साइड नाकों में अणु तेल का प्रयोग करें, इससे भी आपका सिनुसाइटिस कम हो जाता है। और साथ साथ हरिद्रा खंड का सेवन करें, 2 सुबह शाम 1-1 चम्मच। जब भी आपको सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ये प्रक्रिया करने से, ये सब करने से आपका सिनुसाइटिस खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए।